हेलो हेलो वीडियो देखने वालों, आज आपको बहुत ही खूबसूरत जगह लेके आए हैं। पीछे देखिए, है ना खूबसूरत। यहाँ आप अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ बढ़िया टाइम बिता सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर खाना भी बहुत स्वाद है। कहाँ पर, चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। और लेट्स गो से पहले मैं आपको बता दूँ, ये है गिव अवे स्पेशल वीडियो। जी हाँ, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा और जो जवाब देगा उसके लिए बड़ा ही शानदार इनाम है। जी हाँ, पूरा ध्यान से देखना। तो हम आए हैं इस वक्त मुफलिस। जी हाँ, मुफलिस ये सुबह 5 बजे तक खुला रहता है। जी हाँ, सुबह 5 बजे तक। क्या आपने सुना है कोई ऐसे शानदार एम्बियंस वाला कैफे जो रूफटॉप भी है, जिसमें बढ़िया से सिटिंग स्पेस भी है, वो सुबह 5 बजे तक खुला हो? जी हाँ, मजा आ जाएगा। चलिए, तो लीजिए हमारे लिए ड्रम्स ऑफ हेवन तैयार होते हुए। पहले गार्लिक को अच्छे से भून लिया गया, फिर वेजीज गए, प्याज गया, और ये अब टॉस होते हुए। और ये जा रही है जी चिली गार्लिक सॉस। ये गया जी थोड़ा सा केचप। ये गई जी चिली सॉस। ये जाते हुए जी वाह जी सोया सॉस। और लीजिए ये गया जी सिरका। मसाले जाते हुए तो ये सॉस, आप देखिए ड्रम्स ऑफ हेवन की सॉस तैयार हो रही है। ये गया जी थोड़ा सा सोया सॉस। और ये बराबर में देखिए फ्राई हो चुके हैं जो चिकन के पीसेस जाने हैं ड्रम्स ऑफ हेवन के लिए। तो लीजिए ये तैयार है हमारे टेबल पे सर्व होने के लिए। तो खाना मेरे टेबल पे सर्व हो चुका है। और हाँ, पूरा ध्यान से देखना क्योंकि ये वीडियो है गिव अवे वाला। जी हाँ, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और जो जवाब देगा उसको मौका मिलेगा यहाँ पर फ्री में खाने का। जी हाँ, फ्री में खाने का। तो टेबल पे मेरी जितनी भी चीज़ें सजी हुई हैं इनके सबके प्राइसिंग आपको स्क्रीन पे फ्लैश कर देंगे। सबसे पहले जो मुझे शानदार लग रहा है, वैसे तो तीनों चीज़ें अच्छी लग रही हैं, ड्रम्स ऑफ हेवन से शुरू करते हैं। ये देखिए सॉस, देखिए इसकी कैसे आपको दिखाई थी इसकी प्रिपरेशन, बढ़िया से तरीके से एकदम बिल्कुल चिपक के पीस से बिल्कुल चिपकी हुई है। टेस्ट करते हैं। देखिए रिव्यू करते करते पूरा पीस खा गया हूं मैं। स्पाइसी है, हल्की सी मिठास है जो केचप की है, परफेक्टली बहुत अच्छा है। मतलब जो करारा जिसको खाना पसंद है उसको मज़ा आएगा, बहुत बढ़िया है। तो अब गिव अवे की बात कर लेते हैं। आपको बताना है, जी हाँ मैंने इस वीडियो में पहले ये चीज़ बता चुका हूँ लेकिन आपने सुना है या नहीं सुना, आपको सिर्फ कमेंट्स में ये बताना है ये कैफ़े कितने बजे तक खुला रहता है। जी हाँ, कितने बजे तक खुला रहता है। जो सही जवाब देगा नीचे कमेंट्स में, उसमें से एक लक्की विनर को यहाँ पर 2000 रुपये तक का खाना खाना बिल्कुल फ्री। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। और ये कोई फेक गिव अवे नहीं है,
आपको प्रूफ चाहिए होंगे, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा जो विनर होगा, और आप लोगों में से ही विनर होगा, मैं किसी अपने दोस्त या रिश्तेदार को नहीं देने वाला, आप में से ही कोई होगा, ट्रस्ट करते हैं। तो इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करिए, मज़े आने वाले हैं। और हाँ, गिव अवे का विनर मैं 48 आवर्स के अंदर डिक्लेयर कर दूंगा। जी हाँ, 48 आवर्स, जैसे ये वीडियो लाइव होगा यूट्यूब पे, उसके 48 आवर्स के अंदर अंदर ये विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो लीजिए, हमारे लिए लहसुनी टिक्का लगते हुए, पहले ये गई जी, मैरिनेशन तैयार हो रही है। ये ढेर सारा गया लहसुन, ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है, ये बेसिकली दही की इन्होंने एक मैरिनेशन तैयार की है, और उसके अंदर ये टिक्के के पीसेस गए हैं। तो हाफ डन टिक्का था, अफगानी टिक्का कह लीजिए, जो मलाईदार होता है वैसा, और उसको लहसुनी पेस्ट तैयार की गई और उसमें इसको मैरिनेट कर लिया गया, और अब ये सीक पे सज रहा है। ये लीजिए, लो जी, सीख हमारी सज गई है तंदूर में जाने के लिए। मैरिनेशन बढ़िया लग रही है, जैसे उसके अंदर लहसुन डाला गया है तो लग रहा है ये बढ़िया फ्लेवर आने वाला है। लीजिए, तो आपको दिखाया था हमने ये सीख में सजते हुए, और ये देखिए क्या बढ़िया चीज़ बन के निकली है। खा के देखते हैं, बिना चटनी के पहले देखते हैं लहसुनी टिक्का। कैमरा क्लोज आइए, आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इसके अंदर इन्होंने जो टिक्का यूज़ किया था वो एक मलाई टिक्का यूज़ किया गया है, ऊपर जो मैरिनेशन लगाई गई है गार्लिक का हल्का सा फ्लेवर आ रहा है, बहुत तेज गार्लिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके मुंह का स्वाद ही बदल देगा, बिल्कुल हल्का गार्लिक का फ्लेवर आ रहा है, और जो ऊपर इन्होंने दही की मैरिनेशन लगाई थी, सारा खेल उससे है, वो लगाने के बाद भाई इस टिक्के का खेल ही बदल गया। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। तो लीजिए, यहाँ सबसे बढ़िया चीज़ ये है, ये जो आपको पिज़्ज़ा बेस दिख रहा है, ये यहीं का इन हाउस हैंडमेड बेस है, कोई रेडीमेड यूज़ नहीं किया गया है, और उसके ऊपर सॉस जाती हुई, पिज़्ज़ा सॉस लगती हुई, और आप पिज़्ज़ा सॉस की अगर टेक्सचर दिख रहा है आपको, देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, देखने में ही सॉस बढ़िया लग रही है, और ऐसा नहीं लग रहा कि कोई रेडीमेड खरीद के बस वो लगा दी गई है। तो लीजिए, ये जाते हुए जी चीज़, पिज़्ज़ा की जान चीज़। जी वाह, और ये चिकन के पीसेस, जी हाँ, हमने स्मोक्ड चिकन बोला है, तो ये चिकन के पीसेस देखिए, जो स्मोक्ड सॉस होती है बारबेक्यू सॉस, उसके अंदर मैरिनेट किया हुए ये इस वक्त सज रहे हैं पिज़्ज़ा के ऊपर। और अब ये देखिए, ये वेजीज जा रहे हैं, वेजीज भी जो बारबेक्यू स्मोक सॉस होती है उसके अंदर बिल्कुल मिक्स करके वो लगाया जा रहा है, ताकि जो इसके ऊपर वेजीज भी जाएंगे उसमें भी आपको बारबेक्यू सॉस का स्वाद आने वाला है। तो लीजिए, ये तैयार है, थोड़ी सी बारिश और की जाएगी इसके ऊपर चीज़ की। तो लीजिए, ये जा रहा है अवन में, और यहाँ पे मॉकटेल्स की बहुत वैरायटी है, और वैसे ही गर्मियाँ आ गई हैं, मॉकटेल्स शॉकटेल के मज़े ही अलग हैं। चलिए, अब पिज़्ज़ा दिखाता हूँ आपको, रंग रूप देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर मुझे कुछ डालने की ज़रूरत है। ये वाला पीस उठाते हैं, और यहाँ सारी प्रिपरेशन इनकी इन हाउस है, कोई भी चीज़ बाहर से ऐसी नहीं है,
स्पेशली बेस बड़ा मैटर करता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स कैफेज में रेडीमेड बेसिस यूज़ किए जाते हैं। यहाँ देखिए ये रूप रंग ही बड़ा सही लग रहा है मुझे, टेस्ट करते हैं। जो इसका बेस है वो क्रिस्पी है, जो चिकन के ऊपर पीसेस हैं बहुत ही सॉफ्ट है, जूसी है, और जो सॉस है, जी हाँ, बारबेक्यू सॉस और जो इनकी पिज़्ज़ा सॉस थी, दोनों एक दूसरे को बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये ऐसा पिज़्ज़ा है जो जितने भी रनाउन ब्रांड्स हैं ना, ये जब आप खा लेंगे तो शायद वो वाले पिज़्ज़े खाने ही बंद कर देंगे। ये सच में बहुत स्वाद है और मुझे नहीं लगता कि आप किसी रनाउन ब्रांड का पिज़्ज़ा ऑर्डर करने वाले हैं ये खाने के बाद। तो बढ़िया एकदम जगह है। पिछली बार आया था इनका नॉर्थ इंडियन फूड ट्राई किया था, आज आके मैंने इनका इटालियन और देसी चाइनीज़ ट्राई कर लिया है। ओवरऑल इनकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है, इनके शेफ्स बहुत बढ़िया है। आप आएंगे, आपको मज़ा आने वाला है खाना खा के। आइए खाइए, वापस आके मुझे ज़रूर बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा गया। और हाँ, गिव अवे मिस मत करना, जवाब ज़रूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।